बीते कल रावी विच पानी दा लैवल बदन कारण रावी दा पानी जिले दे सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक दे विच रावी दे नजदीक आर पार पैंदे पिंडां दीआं जमीनां ते सड़कां ते 5 तों 6 फुट खड़ गया सी, पर हुण खड़े पानी दा लैवल कल नालों काफी घट गया ते सड़कां पानी तों बाहर निकल आईआं अते फौज दे जवानां वल्लों प्रशासनिक अधिकारियां नाल मिल के सरहद तक जांदी सड़क विच पए पाड़ नूं भरना शुरू कर दित्ता गया। द स्टैलियन न्यूज़ दी टीम ने मौके ते पहुंच के हालातां दा जायजा लिया। इस दौरान आर्मी के अधिकारी मेजर अमित कुमार ते मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने दस्या कि रावी दरिया का पानी ज्यादा आने करके इलाके की हजारां एकड़ फसल बर्बाद होने की कगार ते आ गई सी, पर सारिया मुश्किलों दूर करने लई फौज वालों लोगों नूं जिथे दवाई खाण पीण का समान मुहैया करवाया गया उत्थे स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों नूं भी समय सिर पहुंचाया गया। साडा जी पुराना घणियां कबेड़ पिंड आ, इधर अभी दुध विक्री के लिए गए ही रोजाना जाइना, तो 2 दिन हो गए हम इस तरह ही मुसीबत च जान रहे। कितनी मुश्किल आई पानी आने? मुश्किल सर कल तो बहुत ज़्यादा ही, आज थोड़ा सा फर्क है। किसी की मदद की थी? मदद ज़्यादा फौज ने की थी, सरकारी ने तो बहुत घट की, कल हो रही सू बात पाई है, तो बाकी फौज ने ज़्यादा मदद की। फसल खराब हो गई? फसल सर जिन्हें दरिया के नीवे इलाके ना तकरीबन सारी डुबी पई है। 2-4 हज़ार? हाँ जी 3-4 हज़ार एकड़ होनी है घटो घट। बिक्रमजीत, बिक्रमजीत दसो भी आर पार हो रहे हो, की मसला पाया, की दिक्कत आई? मसला ये पाया भी पानी ज़्यादा जो आया है तो ब्रिज तो पिछे ही रह गया, तो पानी इधरों सड़क के उत्तों की लंघ गया, ज़्यादा सड़क उच्ची होनी चाहिए, 2 पुल बजने चाहिए, एक तो धर्म कंडे लागे तो एक तुसी बन लागे, इतने छोटिया छोटे पुल जोड़े इतने बजने चाहिए ने, उत्थे हजे तो चंगा हो गया भी ये इतों टुट गया है, नहीं तो पुल जिहड़ा ब्रिज बनिया सी उहदे उत्ते कोपलेन चाहीदी सी, जे बूटी आउंदी ते बूटी फस जांदी ते पुल रुढ़ जाणा सी। दिक्कत तो बहुत ज्यादा, दिक्कत 2 दिन तो किसी को लंघिया नहीं गया, तो दिक्कत ही रही जिहड़ा पुल बजा है इहदियां कोठियां नहीं गालियां, ये सिर्फ 18 फुट थले आ ते 18 के उत्ते आ, जे उहदे च बूटी अड़ जांदी चाहे पाकिस्तान दे विच उस तरह सरकंडा मन के ते आर पार कर दिया, जे उन्हां दरां दे विच फस जांदा। फसल खराब हो गई लगदा, किन्नी क टोटल होएगी जिच पानी वर गया? फसल ते 2-3 हज़ार एकड़ खराब हो गई, आ कमात ते बेचारियां दे बहुत ज्यादा खराब हो गए, इधर घोनेवाल दा एरिया जिहड़ा है इन्हां दा ते बहुत ज्यादा नुकसान होया, पानी नहीं निकलता, कुछ घणियां के बेड़ दा एरिया है जिहदा पानी नहीं निकलता, जिहड़ा विच पै गया है वो खलो गया, वो सारी फसल खराब है। गुरविंदर सिंह, एस डी ओ मंडी बोर्ड। हालात पानी ज्यादा कल थोड़ी जी प्रॉब्लम हैगी, अज पानी घट गया, असं कल दे लगे जी रस्ता बनाउन, अज साडी कोशिश है कि शाम तक असं रस्ता बहाल कर लें। ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ 40-50 ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਲਾਏ ਆ, ਨਾਲ ਫੌਜ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਰਸਤਾ ਆਉਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਯੂਰ ਗੁੱਡ ਨੇਮ ਐਂਡ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ? ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ। ਅਬਸ਼ਰ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਕੱਲ जब सुबह आपको पता चला कि ये सड़क टूट गई है तो कितना कितना पानी था, तब क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं? एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया था मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे करके पानी का एक सिंक होल बन गया, तो उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा, उस टाइम था कि इंटैक्ट ही था, टूटा नहीं था उस टाइम पे, बट पानी का जो संक्शन इतना ज़्यादा बना हुआ था, जैसे मैं पहुँचा विद इन 2 मिनट्स के पूरा कोलैप्स हो गया। उसके बाद पानी का लेवल कल रात तक बढ़ता ही रहा, कल रात के बाद ये है जो डाउन आना शुरू हुआ, और हमने ये काम जो है कल इवनिंग लेट आफ्टरनून में स्टार्ट किया था, इवनिंग तक थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ था, अभी अच्छा चल रहा है काम। अब देखा जाए तो फौज कल 24 आवर के आसपास हो गया, लोगों की हेल्प में छुट्टी, कैसे कैसे हेल्प की लोगों की? एक्चुअली क्या है, डिफिकल्ट रहा बहुत, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का काम हो गया और सारे लड़के मेरे वही हैं, कोई हमारे पास दूसरी फौज नहीं है कि उनको रिप्लेस करके दूसरों को लगा दूँ मैं, तो हम सारे वही राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। हेल्प की अगर बात करें तो मेन यही रहा है कि जो सिविलियंस को इस पार से उस पार और या फिर उस पार से इस पार लाना हो, वो मेन एक मुद्दा रहा है, और कुछ ज़रूरत जो डेली की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह वो प्रोवाइड करवाने के लिए हमने किया है। कोई ऐसी दिक्कत भी आई जिसको बहुत इमरजेंसी हो गई और उसको निकाला गया? फॉर्चुनेटली ऐसी नहीं आई, एक दो फैमिलीज थी जिनके बच्चों की कुछ बीमारी थी, और एक दो फैमिलीज थे जिनके बच्चों के एग्ज़ाम थे, आज फाइनल एग्ज़ाम थे,
तो मॉर्निंग में उनको कोई एक्सेस नहीं था, तो मॉर्निंग में हमने स्पेशली आके उनको यहाँ से निकाल दिया ताकि एग्जाम दे सके बच्चे। क्या लग रहा है कब तक ये रोड ठीक हो सकता है? वी आर होपिंग कि बाय टुडे इवनिंग हम इसको रिस्टोर कर लें। दास टेलीन्यूज़ ले गुरदासपुर तो लापरेत खुशीपुर की रिपोर्ट। अपनी फैमिली की हेल्थ से नो कॉम्प्रोमाइज, पिए सिर्फ साफ सुथरा और केमिकल अशुद्धियों से मुक्त पानी। समर्थ आरओ वाटर प्योरीफायर, शुद्ध पियो, स्वस्थ जियो।